शहरी आशा बहुओं द्वारा बृहस्पतिवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आशा कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन राशि के बदले मानदेय दिए जाने के संबंध में धरना प्रदर्शन किया गया। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हम सभी स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उस अभियान को सम्पन्न कराते हैं, लेकिन हमारी मेहनत के बराबर हमें प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। उन्होंने जिला महिला अस्पताल की डॉक्टरों और कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला अस्पताल में मरीजों को ले जाने के बाद हम आशा बहनों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रीना उपाध्याय, दीपकली, मधु रावत, निर्मला, सीमा श्रीवास्तव, शशिबाला, मधु मिश्रा, शकुंतला चौधरी सहित दर्जनों आशा कार्यकर्ती मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आशा कार्यकर्ती सुमन गुप्ता ने कहा, सिर्फ 6 रुपए एक दिन और प्रोग्राम सर 6 और 15 दिन के 100 रुपए, इस हिसाब से सर ये सरकार सोच रही है। वो भी हम लोग को समय से नहीं मिलता है सर, वो भी पैसा सर जो हम लोग भर के कुछ और देते हैं और काट पीट के यहाँ की जो जनता है, यहाँ जो बैठे रहते हैं अधिकारी लोग, वो अलग देते हैं। सर ये चीज हम लोग के साथ बहुत गलत है, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं सर, काट के सर मानदेय कर दिया जाए। नहीं सर, हटाया तो जाता है कि तुम लोग क्या करने के लिए, जब हम लोगों को रखना ही नहीं था सर, तो या तो हम लोगों की नियुक्ति ही ना हुई, रुपए महीने में कौन काम करना चाहता है, फिर भी हम लोग करते हैं सर। कोई भी काम आता है तो एक हफ्ते का काम होता है, 10 दिन का काम होता है, हम लोग को 100 रुपए में निपटा दिया जाता है। ये सर मैं आपकी पूरी बात है, पूरी बात है। इनका प्रोग्राम सर किस हिसाब से 100 रुपए आप हम लोग को दे रहे हैं, 6 प्रोग्राम है, हम लोग क्या है सर। ठीक है, आपकी पूरी बात जो है निवेदन ही है, आपकी सभी बात मैं डीएम साहब से भी अवगत करा दे रहा हूँ। अभी जो चार्ज पे हैं वो अभी बैठे हुए हैं, अगर आप लोग हमें अदालत में रोके रहेंगे तो वो चले जाएंगे आपके यहाँ, अभी मैं तुरंत इनको अवगत करा दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने आप लोग अभी। मेरा नाम सुमन गुप्ता, अपनी सब आशा बहनों की तरफ से निवेदन ये करना है, हम लोग को सबसे पहले हम लोग को सम्मान दिया जाए, कहीं भी जाए एक ये कहा जाए कि हाँ ये भी हमारी आशा बहनें हैं, ये नहीं कि ये कौन, अरे आशा हटो तुम यहाँ से, इस तरह से दुत्कारा ना जाए। दूसरी बात, हम लोग को जो टुकड़े में पैसा मिलता है, पोलियो के तो उसका पैसा मिल गया, टीका लगवाए तो उसका मिल गया, डिलीवरी कराए तो उसका मिल गया, हमको टुकड़ों में ना देकर इकट्ठा हमको एक मान दे दिया जाए, ताकि हम लोग के लिए कि हम लोग भी सरकार के कुछ कर्मचारी हैं, हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, हम लोग को महीने में कुछ मिल रहा है। ऐसे हम किसी को बताते हमको क्या मिल रहा है, अरे हमको कुछ नहीं मिल रहा है जी, हम लोग ऐसे प्राइवेट काम कर रहे हैं। बताइए लोग ऐसे कहते हैं, आप लोग क्या करती हो, आप लोग कौन हो, तो कम से कम हम लोग को एक ऐसी पहचान दी जाए कि हम लोग आशा बहने हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं सरकार के साथ, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, हम लोग रात दिन अपने अपने स्लम के लिए खड़े रहते हैं, स्लम से एक फ़ोन जाता है, स्वास्थ्य विभाग से एक फ़ोन जाता है, हम लोग तुरंत उपस्थित होते हैं, लेकिन हम लोग के लिए रात और दिन हम लोग के लिए बराबर है, लेकिन हम लोग के सम्मान के लिए कहीं भी थोड़ी सी भी जगह नहीं है। हम लोग सदर में भी जाते हैं तो कुछ लोग कुछ तो ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत करती हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे ही है वैसे दुत्कार देती है, आशा हटो तुम लोग तो और चली आती है क्या लेकर के। अरे हम लोग भी सरकार ने हमको रखा है, सरकार को हमारी जरूरत है, इसलिए हम लोग को रखा गया, इसलिए हम लोग आते हैं, नहीं तो हम लोग सरकार बोल दे हमारी जरूरत नहीं तो हम लोग को घर भी ठाल दे, तो हम लोग कम से कम 7 इज्जत के अपने घर तो रहेंगे, इससे तो घर से भी कौन से तुम्हारी नौकरी करती हो, कितना पाती हो कि तुम रात दिन चली जाती हो, दौड़ जाती हो, तुम्हारी कोई वो है तो सर कम से कम हम लोग को सम्मान दिया जाए, हम सब आशाओं का एक निश्चित मानदेय दे दिया जाए जो सरकार से मुमकिन हो वो। हम लोग को ये मांग नहीं कर रहे कि हमें 10,000 20,000 हमको इतना नहीं चाहिए, हमको इतना एक मुश्त में दीजिए कि हम सबसे कहें हमको इतना मिलता है, क्योंकि इतनी महंगाई है कि हम लोग निकलते हैं तो अगर हम लोग का वाउचर ही भराता है तो अभी कहा गया था हम लोग को इसका हर महीने कोरोना का 1,000 मिलेगा, किसी आशा का आया है किसी का, मेरा तो आया, हम नहीं करें नहीं आया, आधी आशाओं का हमारे यहाँ आया, आधी का नहीं आया,
फरवरी हम लोग फाइलेरिया का भरे थे, उसका हुआ था 1000 आएगा, आज तक अभी तक नहीं आया। लिप्रोसिक काम किए हैं, उसका ही पैसा नहीं आया। हम लोग बहुत काम किए हैं सर, लेकिन पैसा समय से नहीं आता, आएगा आएगा करके साल बीत जाता, चलो अगली बार हो जाएगा। डीएम सर से हम लोग रिक्वेस्ट करने आए कि हमारी जो भी विनती है, रिक्वेस्ट है, वो अपने तहत जो समझे उसको, हमारी मांग को पूरी करवाएं, और वो कोशिश करें कि हम लोग जो चाहते हैं वो हमारी इच्छाएं पूरी हों, ताकि हम लोग लगन से और मन लगा के और अच्छे से अपने समाज की सेवा कर सकें और अपने देश को आगे बढ़ा सकें। बस यही हमको कहना है।